नमस्कार साथियों, आज हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे जो आवर्त सारणी सीरीज में सातवां तत्व है। ये आपका नाइट्रोजन, इसका जो परमाणु क्रमांक है आपका परमाणु क्रमांक वो सात है। क्या है? सात। नाइट्रोजन एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसके बारे में देखिए, सबसे पहले ये परमाणु क्रमांक इसका सात हुआ, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो गई वो सात हो गई, प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो गई आपकी? सात हो गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सात हो गई और प्रोटॉनों की संख्या भी सात हो गई। इसका सूत्र है आपका परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। पहले भी हमने बताया है, इस बार भी जान लें, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो इसके इलेक्ट्रॉन सात हो गए, प्रोटॉन सात हो गए, इसका परमाणु क्रमांक जो है आपका सात होता है। तो हम इसका जो है परमाणु संरचना देख लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो इसका नाभिक होता है, आपका नाभिक में जो है ये आपके इसमें सात प्रोटॉन होंगे और सात न्यूट्रॉन होंगे। ठीक, न्यूट्रॉन के बारे में बाद में चर्चा होगी। इसके बाहरी कोश में जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो पहला कोश होगा उसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। उसके जो बाहर वाला होगा, इसमें जैसे इससे पहले आपने कार्बन में चार इलेक्ट्रॉन दिखाए थे, तो यहां पर आप जो है पांच इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे आप। हम लोग ठीक है, जिस तरह हमारा जो बैंक बैलेंस है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जॉब, हमारा लाइफ स्टाइल सामाजिक स्टेटस को शो करता है, उसी तरह अगर नाइट्रोजन में या परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, ये उनका अलग अलग स्टेटस है। इन्हीं लोगों के स्टेटस से हमारा स्टेटस है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर है, जैसा ये व्यवहार करते हैं वैसा हम बाहर व्यवहार करते हैं। आदमी इतने तरह के अलग अलग व्यक्ति क्यों हैं, अलग अलग व्यवहार के, क्योंकि ये हर कंडीशन में अलग व्यवहार शो करते हैं। इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देखिए, पहली कोश में जो है इसके दो इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाद दूसरी कोश में इसके पांच इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बोर बरी के अनुसार जो है आपका बोर बरी के अनुसार दो और पांच है। क्या है? दो और पांच है। और हाफ बाउ के नियम से जो है आप देखेंगे तो इसका 1s2 और 2s2 2p3 है, 1s2 2s2 2p3 है। तो ये यहां पर आपको ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है, इस तरह कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देखने को मिल रहा है। तो 2s2 2p3, इसके बाहरी कोश में यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, कहने मतलब तीन इलेक्ट्रॉन है, पांच इलेक्ट्रॉन है। जब इसकी पांच इलेक्ट्रॉन है तो इसको तीन इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है आठ पूरा करने के लिए, तो इसकी संयोजकता भी तीन होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि आठ इलेक्ट्रॉन जब हो जाते हैं तो वो स्टेबल स्टेज है। तो इसके बाहरी कोश में पांच हो गया, अब ये किसी को पांच देकर दो पे नहीं आएगा, ये किसी से तीन लेने का प्रयास करेगा और लेता भी है भाई, या तो लेगा या तो देगा या फिर साझेदारी करेगा। जैसे कार्बन बहुत साझेदारी करता था इसलिए उसके बहुत कंपाउंड पाए जाते हैं। आइए, जैसे यहाँ पर हमने ये आप इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। हम थोड़ा सा एक चीज़ पे चर्चा की,
यहां पर नाइट्रोजन देखिए इसको इसके महत्व को जानिए। जिसे जो नाइट्रोजन है आपका जो आप इन्वायरमेंट हवा देख रहे हैं इसमें 78% है। कितना है? 78% जो आप वायुमंडल देख रहे हैं ये जो क्षोभ मंडल है जहां तक वायुमंडल है वहां तक जितनी भी हवा है जितनी भी हम सांस लेते हैं, मान लीजिए आपने एक बार सांस लिया, अब इसमें मान लीजिए जो आपने सांस लिया उसका जो है आप आयतन जो है 1 लीटर था मान लेते हैं, तो उसमें आप 78% शरीर में नाइट्रोजन लेंगे और फिर 78% निकाल देंगे, क्योंकि हमारे जो फेफड़े के एल्वियोलाई होते हैं वो नाइट्रोजन सेंसिटिव नहीं होते, केवल ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं। और एक बात, 21 इससे इसके बाद ऑक्सीजन का आएगा, 7 के बाद जो है आपका ऑक्सीजन आएगा 7 परमाणु क्रमांक के बाद, वो इन्वायरमेंट में 21% है, तो दोनों मिलाकर जो है ये 99% हो गए। अब 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की नाइट्रस ऑक्साइड, अन्य जो भी है, आपके वो हैं वो 1% में। तो अब ये देखिए ये जो 78% है ये जलने में सहायक नहीं है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इसका करैक्टर है कि ये जलने में सहायक नहीं है, जलने में सहायक नहीं है या जलाने में सहायक नहीं है। ये जो है आग, जैसे अगर मान लीजिए कभी आप प्रैक्टिकल ध्यान देखिएगा, जब हम आग बुझी हो और फूंक रहे हो तब नहीं जलती, जैसे हम फूंक के हटते हैं ना वैसे आग जलती है। मान लीजिए अब तो गैस हो गया है, पहले फूकनी से जब फूंका जाता था या मुंह से तपता में फूंकते थे तो जब तक फूंकते हैं तब तक नहीं जलती, जैसे हम मुंह बंद करते वैसे आग पकड़ती है। कारण जब हम मुंह से फूंकते रहते तो हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहती है और वो जलने में सहायक नहीं है, और जैसे ही हम हटाते हैं इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन आके आग लगा देती है। ठीक उसी तरह जब दीपक पे हम मुंह से फूंकते हैं तो वो बुझ जाता है, क्यों? जब हम मुंह से फूंकते हैं तो उसके पास की ऑक्सीजन हट जाती है इसलिए वो बुझ जाता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये दीपक बुझाना या तपता में आग जलाना, ये बड़े ही रोचक तत्व हैं ये इन तत्वों की वजह से। अब देखिए ये जलने में सहायक नहीं है, ये एक तरह से इनर्ट रहती है, और इस नाइट्रोजन का ये N2 के रूप में पाई जाती है, मॉलिक्यूल में आपको पढ़ाया जाएगा N2 नाइट्रोजन के दो अणु आपस में मिलकर जो है ये आपके ट्रिपल बॉन्ड से जो है N2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का बनाते हैं, और ये जलने में ना सहायक होने की वजह से सहायक ही है, और ना ही पौधे इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पौधे इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं कि इनको भाई डायरेक्ट ले लें वो लोग ना, प्रोटीन का ये कंटेंट भी है नाइट्रोजन, तो पौधे जो है पौधे में कौन कौन से फर्टिलाइजर, जैसे आपका यूरिया हो गया NH2CONH2, इसको कहते हैं यूरिया, ये देखिए NH2CONH2। भाई चाहे छोटा विद्यार्थी हो चाहे अभी नया नया पढ़ाई में जा रहा हो, उसने गांव देहात का है घर का है यूरिया खाद जानता हो, यूरिया प्लांट के ग्रोथ में प्लांट को बढ़ने में कितनी सहायक है, कितनी उसका महत्व है, यूरिया डालने से प्लांट क्यों जल्दी बड़ा हो जाता है हरा हो जाता है। देखिए जब तक उसको प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलेगी वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, क्योंकि प्रोटीन के जितने भी कंटेंट हैं उसमें जो है एमीन और एमाइड पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, और नाइट्रोजन हमें यूरिया से मिलती। मान लीजिए प्लांट को पानी मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, उसने प्रकाश संश्लेषण कर भी लिया, प्रकाश संश्लेषण के बाद प्लांट के पास जो एनर्जी है वो प्रोटीन बनाने में खर्च होती है, तो प्रोटीन तभी तो प्लांट बढ़ेगा, आप प्रोटीन के लिए उसको नाइट्रोजन बाहर से देनी पड़ती है, प्रकृति पानी बरसा देती है
लेकिन उसको नाइट्रोजन जमीन से ही लेनी पड़ेगी। और मान लीजिए जब नाइट्रोजन नहीं थी तब कैसे होता था, देखिए जो पत्तियां सड़, जैसे मान लीजिए पत्तियां हैं वो पत्तियों में प्रोटीन होती है, वो जब सड़ती गलती है तो मिट्टी में पुनः नाइट्रोजन बन जाती है। इसी से पत्तियों को सड़ा गला के कंपोस्ट खाद बनाई जाती थी, लेकिन आज बढ़ती जनसंख्या में, उसके बाद लोगों की ज़रूरतों में जल्दी से जल्दी फसल उत्पादन की होड़ बन मची हुई है, क्योंकि किसान को भी तो पैसा कमाना है भैया। अगर वो 6 महीना में 3 फसल काटेगा, अब चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पर ये जो यूरिया है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है। तो देखिए नाइट्रोजन का कितना महत्व है, ये हमारे ये पौधे लेते हैं, पौधे जो है हम पौधों को खाते हैं, ये हमारे कितना महत्वपूर्ण, इसके सारे यौगिक्स धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, एक एक कंटेंट। जैसे अब आप ले लीजिए डाई खाद, डाई अमोनियम फास्फेट। और जब हम यूरिया से बनी खाद, यूरिया से देखिए हम खेतों में यूरिया डालते हैं, उसके बाद वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन को हम खाते हैं, उसके बाद हम जब यूरिन करते हैं पेशाब में इसमें यूरिया निकालते हैं। अब इस देखिए जैसे कुछ जीव हैं जो जल में रहते हैं वो अमोनिया निकालते हैं, कुछ यूरिक एसिड निकालते हैं, यूरिक एसिड भी नाइट्रोजन कंटेनिंग एसिड है, उसके बाद कुछ यूरिया निकालते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के शरीर में भी यूरिक एसिड बनता है। अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हमारी हड्डियों में दर्द होने लगता है, तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आपको प्रोटीन वाले पदार्थ कम खाना चाहिए। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बच्चों, आप जो मेरा ये इसका उद्देश्य है कि आप नाइट्रोजन 7 परमाणु क्रमांक याद करें, इसका परमाणु भार 14 है, परमाणु सिंबल क्या है, यन नेस्ट माने घोंसला भी होता, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन है, क्या है आपका नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को याद करेंगे 7 परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार 14 होता है, ठीक। तो ये जब आप याद कर लेंगे तो ये जो मैं बता रहा हूँ 76% नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में उपस्थित है, प्लांट यूरिया में उपस्थित है, हम खाते हैं, हमारे अंदर प्रोटीन, पौधे के अंदर प्रोटीन, ठीक। उसके बाद जब हम यूरिनेशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो उसमें भी यूरिया निकलता है। तो ये सब साइकिल क्या चल रहा है, मामला क्या चल रहा है, मामले को जानने के लिए आपको इसे पहले याद करना पड़ेगा। जब आप एक एक चीज याद कर लेंगे तब मुझे पढ़ाने में बड़ी आसानी होगी, और मुझे आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ सिखाना है, जो केमिस्ट्री की कठिनाइयां हैं उनको दूर करना है एक एक करके, ताकि जो एक मिथक बना हुआ है कि केमिस्ट्री कठिन है, आती नहीं है, समझ में नहीं आई, आती है तो भूल जाती है, इन सारी चीज़ों को जो समराइज करके ऐसा पेश करना है कि आपको जैसे हिंदी समझ में आती है वैसे केमिस्ट्री भी समझ में आनी चाहिए। इसीलिए मैं बहुत स्लोली आपको बता रहा हूँ कि एक एक जो है एलिमेंट को याद करिए। तो इसी सीरीज में, इसी क्रम में आप नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 परमाणु भार 14, सिंबल इसका यन होता है, इसको याद कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर, धन्यवाद।